पंजाब में बहुत दो तीन मुद्दे बहुत हावी रहे शुरू से, जैसे नशे का मुद्दा है, नशे में कई बार सरकारें बदली हैं पंजाब में, और लाइन ऑर्डर का जो एक बहुत बड़ा इशू है उस पर भी सरकारें कई बार बदली हैं। जो दोनों मुद्दे हैं उन पर सरकार काम कर पाई है क्या नहीं कर पाई है, ये जो विपक्षी पार्टियां मुख्य रूप से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों के सामने लेकर जाएंगी, लोगों को बताएंगी क्या आप पार्टी आपकी सरकार इन मुद्दों पर काम कर पाई है। अगर लोगों को वो समझा पाई कि काम नहीं कर पाई या कितना कर पाई है तो मुझे लगता है लोग उनके फेवर में जा सकते हैं। जनता पंजाब की जनता जो जो कांग्रेस पार्टी मुख्य जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है उसको कहीं ना कहीं उनकी बात मान सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। और उधर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में अबकी बार पूरी तरह से है, वो भी मुकाबला को तिकोना मुकाबला बनाने के लिए कई प्रकार की जो रणनीति उन्होंने तैयार की है, और अगर तिकोना मुकाबले बनाने में भारतीय जनता पार्टी सक्सेस रहती है तो मुझे लगता है फिर कुछ भी हो सकता है। फिर जी कोई भी पार्टी जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस में से और भारतीय जनता पार्टी में से कोई भी उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पंजाब में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये उपचुनाव किस ओर जाएंगे, कौन सी पार्टी जो है इसमें बढ़त बनाएगी, क्योंकि यहीं से 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसका रास्ता जो है वो तय होगा। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि पंजाब के जो इस बार के चुनाव है उपचुनाव जो है 2024 के, ये 2027 में किस पार्टी को बढ़त बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, उपचुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में, चार जो है विधानसभा क्षेत्रों में, तो सत्तारूढ़ पार्टी है, दो ढाई साल से पार्टी इसमें आम आदमी पार्टी जो है पंजाब की सत्ता पर काबिज है, ओपोजिशन में कांग्रेस पार्टी जो है वो भी मजबूती से दावा कर रही है कि 2027 के जो चुनाव है वो पूरी तरह से बढ़त बनाएंगे। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने वजूद को तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी कोई पार्टी सत्ता पर होती है और चुनाव होते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या वो पांच साल बाद जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो चुनाव हो, तो एंटी इनकमबेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पिछले ढाई साल का जो समय गया है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या इसमें एंटी इनकमबेंसी हावी रहेगी? अगर रहेगी तो कौन सी पार्टी जो है उसको फायदा हो सकता है? देखिए राजेंद्र जी, जो आप सरकार पार्टी की सरकार पंजाब में है और पिछले पौने तीन साल से पंजाब में जो शासन कर रही है आप पार्टी कर रही है, और पौने तीन साल का एक बहुत अच्छा लंबा पीरियड उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक साल का जो पीरियड होता है वो हनीमून पीरियड किसी भी सरकार का वो होता है। एक साल तक लोगों की उम्मीदें और आशाएं बनी रहती हैं और एक साल के बाद जो एक सरकार की पॉलिसीज हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो किस प्रकार से लागू किए जा रहे हैं उन पे लोग है ना जनता आकलन करना शुरू कर देती है। और अब मुझे लगता है पौने तीन साल होने को हैं, 32 महीने लगभग हो चुके हैं मुझे लगता है, और मार्च 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और आप पार्टी एक बड़े बहुत बड़े बहुमत से आप पार्टी ने सरकार बनाई थी, 92 सीटें उन्होंने 2022 में जीती, 117 में से 92, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, लोगों की बड़ी इच्छा आकांक्षा थी लोगों की नई पार्टी की सरकार आई है कुछ कुछ पंजाब में और जब ज्यादा बेहतर कर पाएगी। पंजाब में बहुत दो तीन मुद्दे बहुत हावी रहे शुरू से, जैसे नशे का मुद्दा है, नशे में कई बार सरकारें बदली है पंजाब में, और लाइन ऑर्डर का जो एक बहुत बड़ा इशू है उस पर भी सरकारें कई बार बदली हैं। जो दोनों मुद्दे हैं उन पर सरकार काम कर पाई है क्या नहीं कर पाई है, ये जो विपक्षी पार्टियां मुख्य रूप से जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों के सामने लेकर जाएंगी, वो लोगों को बताएंगी क्या आप पार्टी आपकी सरकार इसमें इन मुद्दों पर काम कर पाई है। अगर लोगों को वो समझा पाई कि काम नहीं कर पाई या कितना कर पाई है तो मुझे लगता है लोग उनके फेवर में जा सकते हैं। जनता पंजाब की जनता जो
जो कांग्रेस पार्टी मुख्य जो उनकी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं उनकी बात मान सकते हैं और उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। और उधर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव मैदान में अब की बार पूरी तरह से है, वो भी मुकाबला को तिकोना मुकाबला बनाने के लिए बिल्कुल कई प्रकार की जो रणनीति उन्होंने तैयार की है। और अगर तिकोना मुकाबले बनाने में भारतीय जनता पार्टी सक्सेस रहती है तो मुझे लगता है फिर कुछ भी हो सकता है, फिर जी कोई भी पार्टी जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस में से और भारतीय जनता पार्टी में से कोई भी उठा सकता है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, जो चुनाव कैंपेन का जो लास्ट जो सप्ताह है, और इस सप्ताह में ही तय होगा कौन सी पार्टी आगे बढ़कर चुनाव प्रचार करती है और लोगों तक पहुंच बना पाती है। और मुझे लगता है इस सप्ताह में ही लोग बता देंगे कि किसके समर्थन में ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, किसके समर्थन में जा रहा है। तो इस तरह से अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हो तो सीधे सीधे जो मुख्य रूप से अभी तक जो चुनाव का जो एक वो बना हुआ है वातावरण बना हुआ है जी, जो बाइपोलर चुनाव अभी तक देखने को मिल रहा है, जैसे हमने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक इसमें आकर कुछ इस तरह का कुछ और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, हालांकि स्टार प्रचारकों की अभी जो मेन स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह जी हैं, वो उनका अभी तक आने का कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर बाइपोलर की जगह फिर ट्रायंगल फाइट हो सकती है। ट्रायंगल फाइट में आप समझते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आप पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी का अगर कोई फायदा अभी तक लग रहा है कि कांग्रेस फायदा उठा सकती है। मेरा साहब, अभी अभी आपने बात की स्टार प्रचारकों की, इलेक्शन का आखिरी हफ्ता आ गया है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो स्टार प्रचारक जो है केजरीवाल, उन्होंने पंजाब में दो तीन इस समय जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें धुआंधार रैलियां की हैं और वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, उनके स्टार प्रचारक अभी तक कहीं पंजाब में नजर नहीं आ रहे हैं, और आखिरी जो हफ्ता होता है वो समीकरण बदलने के लिए होता है। क्या उनके जो स्टार प्रचारक है दूसरी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है, उनके स्टार प्रचारक जो है वो पंजाब में आएंगे? अगर आएंगे तो क्या उनके आने से माहौल बन सकता है? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि आखिरी सप्ताह एक चुनाव में माहौल बदलने का एक सप्ताह होता है जी, और स्वाभाविक है। आपने पीछे चुनाव में हरियाणा के जो विधानसभा के चुनाव से उनमें भी देखा है, और दूसरी जो अलग अलग स्टेट के में विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव हों, मुझे लगता है कहीं कहीं मुद्दे गौण हो जाते हैं चुनाव प्रचार आते आते, और एक नारों और नैरेटिव पे चुनाव लड़ा जाता है। जिसके नारे जनता के तक ज्यादा पहुंच पाते हैं वो कहीं कहीं उस पार्टी को फायदा मिलता है। जो नैरेटिव बनाने में कामयाब होती है और वो नैरेटिव जनता में चल जाता है तो कहीं कहीं उस पार्टी को फायदा चुनाव में होता है। जो चुनाव का जो लास्ट आखिरी दौर होता है उसमें आते आते कहीं कहीं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कहीं कहीं गौण होते जा रहे हैं। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति हम कह सकते हैं हमारे देश में, और पूरे देश की हम बात करें तो कि मुद्दों से हटके चुनाव जा रहे हैं। मैंने कहा कि नारा और नैरेटिव पे चुनाव वो उस पे डिपेंड कर रहा है कि हार जीत किसकी होती है। तो इसी तरह से अब जो आखिरी सप्ताह जो आपने बताया कि 20 तारीख को तो चुनाव होने हैं, आखिरी सप्ताह ये चल रहा है और मुझे लगता है 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के। 5 दिन में एक सारे के सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने में एक पूरी ताकत झोंकेंगे, और अगर स्टार प्रचारकों में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की प्रचारकों की बात करें तो उन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उन्होंने जारी की हुई है, हालांकि उस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नाम नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में के उपचुनाव में आते हैं तो निश्चित रूप से जो चुनाव है पंजाब का ये तिकोना चुनाव हो जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है उन चीजों से। भारतीय जनता पार्टी के लिए तिकोना चुनाव बनाने में फायदा मिल सकता है जी। फायदा नुकसान तो किसको होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन तिकोना मुकाबला बनाना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपने आप में सफलता होगी। सफलता होगी और दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी मुझे लगता है अभी तक जो बड़े हैं उनके
राहुल गांधी जी, खड़गे, उनका कहीं ना कहीं फोकस जो है वायनाड की सीट पर लगा हुआ है, वायनाड पे है, महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होने हैं जी, और आज झारखंड में आधी सीटों पर, मुझे लगता है 43-43 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं, और बाकी की 38 सीटें हैं जो वो वायनाड में भी, केरल में भी मेरे को लगता है कि आज ही शायद वायनाड वाली सीट पर 13 तारीख को ही चुनाव है, और शायद इस चुनाव के बाद कांग्रेस की जो हाई कमान है वो फ्री हो जाएगी कुछ हद तक, और कहीं ना कहीं उस पे ज्यादा फोकस है क्योंकि कांग्रेस की बड़ी नेता है जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, वो चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं सबका जो फोकस है उसी विधान लोकसभा क्षेत्र पर है। अब देखने वाली बात है कि उनके जो बड़े स्टार प्रचारक कह सकते हैं उनको, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और प्रियंका जी, और जो दूसरी ओर जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अगर वो चुनाव में आते हैं तो चुनाव का माहौल कुछ और होगा, और वही जो जो एक नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने या बीजेपी ने या आप पार्टी ने, वो अगर अपने लोगों तक पहुंचा पाए तो निश्चित रूप से उन्हीं पार्टियों को फायदा होगा। तो जैसा जीत हार का भी इसी उसमें सप्ताह में मुझे लगता है तय होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने भी बताया कि जो जो लास्ट जो मोमेंट होता है, लास्ट जो सप्ताह होता है, उसी में मुझे लगता है चुनाव प्रचार जोर भी पकड़ता है और उसी में एक हवा बढ़ती है, और मैक्सिमम आज वोटर ऐसा देखने में आया है कि हवा के रुख में वोट बेहतर चल जाता है, बेहतर चला जाता है, और ज्यादातर लोग उसी की किस फलां पार्टी की सरकार आ रही है और फलां पार्टी इस चुनाव में जीत रही है उसी की तरफ मुझे लगता है ज्यादा झुकाव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैंने सब अभी आपने बात की कि जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं तो बात मुद्दों से शुरू होती है, लेकिन आखिरी सप्ताह आते आते मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नर और नैरेटिव की बात हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर बात कहूंगा कि पंजाब में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो क्या पंजाब में ये उपचुनाव जो है इसमें मुद्दे हावी रहेंगे, या ये बिना मुद्दों के जो है नर और नैरेटिव पे जाके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा, और कैसा माहौल जो है ये आखिरी सप्ताह में बन सकता है? देखिए राजेंद्र जी, अभी तक जो चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है, जो आप पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी जो सरकार की अचीवमेंट है, वो उपलब्धियां जो है, उपलब्धियां है वो लोगों को बता रही हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ये तो अभी जनता तय करेगी। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की ने जो वायदे किए थे और वो काम नहीं पूरे हो, उन नाकामियों को जनता के सामने बता रही। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य जो विपक्षी पार्टी है आप पार्टी के सामने, वो कहीं ना कहीं सरकार की दावों की पोल खोलने पे लगी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोशिश है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के पैटर्न पे चुनाव को ले जाए, और कहीं ना कहीं जट सिख और नॉन जट सिख जी का चुनाव इसमें बना पाए। अगर वो इस तरह के कामयाब होती है, इस प्रकार का माहौल बनाने में कामयाब होती है, शहरी वोटर को और नॉन जट सिख को अगर लामबंद करने में, अपने पक्ष में लाने का कामयाब होती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को तिकोना मुकाबला बनाने में सफल हो पाएगी। बिल्कुल। और देखो तीनों पार्टियों के अलग अलग ध्येय हैं। आप पार्टी की हम बात करें, आप पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रही है, कांग्रेस पार्टी उन उपलब्धियों को नाकामियां बता रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है, रणनीति ये है कि इस चुनाव को हरियाणा के पैटर्न पे, हरियाणा मॉडल पे चुनाव को बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा में उनको जो नॉन जाट और जाट का चुनाव बनाया था, शहरी और ग्रामीण का चुनाव बनाया था, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, और यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, इस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए और इस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए, और बहुत ही शहरों में, खासकर हम कहना चाहेंगे जो शहरी वोटर हैं उन पे बड़ी बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, उनकी कितनी सफलता उनको मिल पाती है ये समय बताएगा। और इसमें विशेष बात एक और ये है कि इस बार जो श्रोमणी अकाली दल है वो चुनाव मैदान में नहीं है, वो इस चुनाव से आउट है, और उसका जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप से, वो देखो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए
किस पार्टी को किस तरफ अपने वोटर्स को, जो उनका कैडर वोट रहा है बहुत लंबे समय जी तक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी पार्टी रही है पंजाब की, बिल्कुल बहुत लंबे समय तक उनकी सरकार रही है, बादल साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उसके बाद भी एक एमपी है, अब भी लोकसभा में एमपी भी है, तो मुझे लगता है वो कहीं कहीं किसी न किसी पार्टी को इशारा करेंगे और वो जो इशारा करेंगे उससे भी किसी न किसी पार्टी को फायदा होगा। ये देखने वाली बात है किस पार्टी की ओर वो इशारा करते हैं और उस जिस पार्टी को उसका जो कार्डर वोट है उसको कितना वोट जा सकता है, फायदा उसी से तय होगा कि कौन पार्टी आगे बढ़ रही चुनाव में। मेरे साहब बड़े सीधा सा सवाल और मैं सीधा सा जवाब चाहूंगा उसका, लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुमत बनाती नजर आई और 13 में से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और सत्तारूढ़ पार्टी जो है आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आती। इस बार जो उपचुनाव है इसमें क्या कांग्रेस बहुमत की तरफ जाएगी? निश्चित रूप से देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब में बहुत अच्छा किया था, अकेले चुनाव लड़ा था, इंडिया अलायंस में चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने और अकेले चुनाव लड़के 7 सीटें उन्होंने पाई थी, 7 सीटें जीती थी और लोकसभा चुनाव में 13 में से 7 सीट जीतते, इतना मुझे लगता है एक अच्छी उपलब्धि कांग्रेस पार्टी की माना जा सकता है। और अगर कांग्रेस पार्टी वही मोमेंटम बनाए रखती है तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर पंजाब में जो आप पार्टी की सरकार है और कोई भी उपचुनाव या ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है, लेकिन अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाती है आप पार्टी से तो निश्चित रूप से ये आप पार्टी के लिए 2027 के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब भी कभी उपचुनाव होते हैं तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 महीनों का जो समय हो गया पिछली सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, और एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है और ये फैक्टर क्या इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो अगर उसके स्टार प्रचारक पंजाब में आते हैं तो वो इस मुकाबले को त्रिकोणा मुकाबला बना सकती है और अगर कांग्रेस इस चुनाव में बढ़त बनाती है तो 2027 के लिए अपना रास्ता साफ कर सकती है। देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।